नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। एलएस कॉलेज में एनसीसी का 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। प्रदूषण के मामले में दिल्ली से भी खतरनाक स्थिति में पहुंचा मुजफ्फरपुर, देखिए एक रिपोर्ट। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरपुर दिल्ली से भी आगे निकल गया है, देखिए संदीप की एक खास रिपोर्ट। शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर समाहरणालय सभा स्थित सभाकक्ष में बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी के साथ प्रदूषण बोर्ड पटना के भी पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वायु प्रदूषण के कारणों और इसे निजात पाने के मद्देनजर बनाई गई कार्य योजना पर विस्तृत प्रकाश डाला। वहीं डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि वायु प्रदूषण से निजात दिलाने हेतु जो नियमावली निर्धारित की गई है उसका अनुपालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के परस्पर समन्वय एवं सामुदायिक भागीदारी से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि इसके लिए जन जागरण अभियान चलाने की भी जरूरत है। उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करवाए। सभी विभागों के अधिकारियों को हड़काया कि दिए गए निर्देश के आलोक में अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निगम, आरसीडी, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग विभाग के अधिकारियों को कहा कि जनहित को देखते हुए अपने दायित्वों को निर्वहन ईमानदारी से करें। नगर निगम एवं संबंधित विभागों के निर्देश दिया कि नियम के अनुसार शहर में हो रहे गृह निर्माण को ग्रीन कवर से ढक कर रखें। जितने भी प्राइवेट बिल्डिंग, मॉल और संस्थानों का निर्माण हो रहा है वहां इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। खुले में कचरे जलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। पुराने जनरेटर एवं जेरोक्स मशीन को अभियान चलाकर जब्त किया जाए। शहर के जिन सड़कों पर बालू लदे ट्रक या भारी वाहन चलते हैं वहां नगर निगम को एवं आरसीडी को पानी के छिड़काव का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कराकर वायु प्रदूषण में 40% की कमी लाई जा सकती है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शहर के एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट को वाहन की प्रदूषण जांच के मद्देनजर नियमित तौर पर अभियान चलाए। शहरी क्षेत्र में लकड़ी और कोयला से चूल्हे जलाने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया। वहीं नगर आयुक्त ने व्यावसायिक एलपीजी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित की जाए परंपरागत ईंट भट्ठे का कन्वर्जन जिग जैग ईंट भट्ठे में कराने की बात कही गई। बताया गया कि जिग जैग तकनीक के इस्तेमाल के बाद कोयले की खपत तो कम होगी ही, साथ ही भट्ठे से निकलने वाला धुआं भी खतरनाक नहीं होगा। वन विभाग के अधिकारियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने का भी निर्देश दिया गया ताकि शहर एवं आसपास का वातावरण हरित आवरण से आच्छादित हो सके। बैठक में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं समस्त विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया जा रहा है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी, परिवेशीय वायु गुणवत्ता, जो इसकी आज एक बैठक हम लोगों ने जिला स्तर पर कराई, मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुत हम लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर और विगत कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न माध्यमों में चर्चा का विषय कि मुजफ्फरपुर जिला, पटना जिला, जो बिहार के दो प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले शहर, ये देश नेशनल लेवल पे प्रदूषित जिलों में से एक घोषित किए जा रहे हैं और प्रतिदिन का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि राज्य की छवि तो समाप्त खराब हो ही रही है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के भी स्वास्थ्य पर इसका एक प्रभाव पड़ने की जो आशंका है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। विषय की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने प्रथम चरण अपने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ तो बैठक की, लेकिन आज यहाँ पर सभी विभाग जैसे संबंधित हो सकते हैं उनके साथ ही बैठक की गई और
विभिन्न आयामों के संबंध में चर्चा हुई। वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी चर्चा हुई, मुख्यतः क्योंकि जैसा कि आप अवगत हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में जो पॉल्यूटेंट्स का अगर लेवल देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स के कारण ये स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो सबसे खराब स्थिति अगर पैदा हुई पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 माइक्रोन से जो वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी वायु में प्रेजेंस के कारण, एयर में प्रेजेंस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है। और ये स्थिति खास तौर पर जब ठंडा मौसम प्रारंभ होता है, जब कोहरे की स्थिति बनती है, जिसमें स्मॉग का रूप ले लेता है और इससे यातायात में और काफ़ी दिक्कत होती है, धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है शाम के समय। और साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर की क्योंकि संख्या वो ज़्यादा होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं और कैंसर का भी रूप भविष्य में ले सकता है। इन सबको दृष्टिपथ में रखते हुए, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कई इम्पोर्टेंट निर्णय भी आज यहाँ पर लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक पटना में भी आहूत की गई थी और कुछ कतिपय दिशा निर्देश उसमें भी प्राप्त हुए। और उसके अतिरिक्त स्थानीय जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर कई हम लोगों ने निर्णय लिए। ग्रीन बेल्ट के सृजन की बात हुई है, साथ ही साथ ऐसे व्यवसाय जिनसे कि धूल कण में बढ़ोतरी होती है, जैसे सीमेंट का व्यवसाय, बालू का व्यवसाय, उन पर जो प्रभावी नियंत्रण करने की बात की गई यहाँ पर, ताकि खुले में इस तरह का ट्रांसपोर्ट ना हो, दिन के समय लोडिंग अनलोडिंग ना हो, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर की अधिकता होती है। साथ ही साथ जो जितने महत्वपूर्ण पथ हैं, पथांश है पूरे टाउन एरिया के खासकर, वहाँ पर पानी के छिड़काव की बात की गई, नगर निगम को ये दायित्व सौंपा गया है। जो शहर के बाहर के क्षेत्र हैं, जो रिंग एरियाज हैं, पेरीफेरी वाले एरिया, वहाँ पर RCD को ये दायित्व दिया गया। जितना भी कंस्ट्रक्शन, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन रोड्स का चल रहा है, जहाँ PCC अकालीकरण का कार्य चल रहा है, जहाँ पर धूल होने की संभावना होती है निर्माण के दौरान, वहाँ पर भी ये निर्देश दिया गया है कि उसको निश्चित तौर पर देखें और जब भी इसकी वाटरिंग कराएं या पानी का छिड़काव कराएं तो इसका फोटो भी हम लोगों को भेजें, ताकि हम लोगों को भी जानकारी हो सके कि वास्तविक रूप में ये छिड़काव कराया गया है, ना कि मात्र ये रिपोर्टिंग। साथ ही साथ जो जुगाड़ गाड़ियां यहाँ पर परिचालित हो रही हैं, जो जिनका लाइसेंस भी निर्गत नहीं है, साथ ही साथ वो लोग मिश्रित फ्यूल या ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रदूषण अपने चरम पर है, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है राज्य में। ऐसे जुगाड़ गाड़ियों को भी हटाया जाएगा। ऐसे 3-व्हीलर्स जो कि बहुत लंबे समय से परिचालित हैं, पुराने हो चुके हैं, अब समय आ गया है कि हम लोग CNG और बायोफ्यूल पर अब धीरे धीरे अपना फोकस करें। बड़े बड़े शहरों में अब CNG पर शिफ्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिक जो 3-व्हीलर्स हैं उस पर फोकस शिफ्ट हो चुका है। तो अभी फिलहाल हम लोग प्रयास ये करेंगे इनको फेज आउट धीरे धीरे किया जाएगा, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और व्यवहार परिवर्तन के लिए जो भी प्रचार प्रसार हम लोग अभी से कर सकते हैं, ताकि एक समय आना चाहिए जब सबको जानकारी हो, सब लोग स्वतः अपनी इच्छा से उसको शिफ्ट करना चाहें, एक व्यवहार परिवर्तन का माहौल यहाँ पर सृजित हो। इसके लिए चित्रकला प्रतियोगिता और स्कूलों के माध्यम से और जन जागरण के जो कार्यक्रम होते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रचार प्रसार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको नकार नहीं सकते हैं। तो एक व्यवहार परिवर्तन का एक प्रयास करने का भी आज निर्णय लिया गया है। ऐसे ईंट भट्टे यहाँ पर जो वर्तमान में जो इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस इशू की गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको फॉलो नहीं करते हैं, उन सभी के लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। और जो इसको कंप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का ही नवीनीकृत किया जाएगा। और भी इस प्रकार के अन्य भी निर्णय लिए गए हैं। NTPC में इसके कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वो लोग बाहर डंप कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनको भी ग्रीन कवर जो है उसको सृजित करने का निर्णय लिया गया है। जितने NH हैं उसमें 3 लेयरों में जहाँ भी जगह अवस्थित है वहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराएंगे, ताकि व्यू कटर और डस्ट कटर का भी
उसमें कुछ चीज़ें जो उभर के आई हैं जो नगर निगम को अतिरिक्त रूप से करने की आवश्यकता है। वैसे तो हम लोग लगातार जो नगर निगम क्षेत्र में सड़कें हैं वहाँ पे पानी के टैंकर से डस्ट पार्टिकल्स पे कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जो आरसीडी की सड़कें हैं उन पर आरसीडी के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन साथ ही जो हम लोगों का डस्ट स्वीपिंग का जो एक्टिविटी है वो मॉर्निंग के बजाय हम लोग अभी रात्रि में एक स्पेशल टीम बनाएंगे जो कि रात्रि में जिन सड़कों पर ज़्यादा डस्ट है उसका डस्ट स्वीपिंग नगर निगम क्षेत्र में करेगा, ताकि डस्ट ज़्यादा जो PM 2.5 का जो पोल्यूशन है वो शहर में नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त जो शहर के आसपास के जो सड़कें हैं जो RCD और NH के हैं उसके लिए भी आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि RCD उन सभी सड़कों पर भी डस्ट कंट्रोल के लिए पानी इत्यादि का छिड़काव करेगा, ताकि व्हीकल मूवमेंट से वो डस्ट हवा में उड़कर शहर की हवा को प्रदूषित ना करें। कचरा जलाने को लेकर जितने भी ईंट और पुराने इन्फेरियर फ्यूल से चलने वाले जो ढाबे हैं या चाय की दुकानें हैं उन सभी का भी हम लोगों ने नगर निगम क्षेत्र में सर्वे करवा लिया है, और पुराने डीजी सेट्स का जो जनरेटर सेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं फेंकते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं उनका भी सर्वे करा लिया है। उनको लगातार हम लोग अब नोटिस के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि या तो वो स्वयं उन सभी चीज़ों को बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि शहर का हवा प्रदूषित करने में उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त कचरा बर्निंग पर, क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न है इसमें अमूमन लोगों का आदत होता है कि कचरे को जलाकर लोग तापने लगते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। प्लास्टिक और अन्य कचरे को जलाने से वायु की गुणवत्ता खराब होती है, इसलिए जहां पर भी इस तरह का मामला हमको प्रकाशित में आएगा उस पर लगातार फाइन का कार्रवाई हम लोग करेंगे। नगर निगम का भी कुछ पुराना लीगेसी वेस्ट विभिन्न स्थानों पर पड़ा हुआ है जिसके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से एक एजेंसी हायर कर लिया है। वो बायो रिमेडिएशन और बायो माइनिंग के माध्यम से रोहतनी एवं अन्य लीगेसी वेस्ट जितना भी पड़ा हुआ है उसको प्रोसेस करेगा, लेकिन हम स्थानीय नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि कहीं पर भी पुराने लीगेसी वेस्ट में भी आग ना लगाएं, क्योंकि उससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के मटेरियल सड़क के किनारे रखे रहते हैं उन पर लगातार नगर निगम की टीम धावा दल के द्वारा उन पर फाइन इत्यादि का कार्रवाई किया जा रहा है। साथ ही हम शहरवासियों से भी अपील करेंगे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन शहर में करते हैं उसको ढककर करें, क्योंकि ढककर कंस्ट्रक्शन करने से जितने भी धूल कण हैं वो हवा में नहीं उड़ेंगे, उसकी वजह से वायु प्रदूषित नहीं होगा। जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिन जिन के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो है उसको पूरा ढक के लेके जाएंगे, और सभी संवेदकों को भी स्पष्ट निर्देश देंगे कि जो भी उनके द्वारा सड़क खोदा जा रहा है या फिर गड्ढा खोदा जा रहा है वहाँ पर जो भी डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं उनको भी पूरा ढककर काम करवाएंगे और ढककर ही ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। इन सभी चीज़ों पर अगर हम लोग कार्य कर लेंगे तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर शहर की हवा की गुणवत्ता में काफी पॉजिटिव प्रभाव है। बीते 9 महीने के दौरान जिले में 530 हुई सड़क दुर्घटना में 430 लोगों की मौत हो गई। आंकड़े पर आधारित सोनू शर्मा की देखिए ये रिपोर्ट। जिले में रफ्तार का कहर इस कदर बढ़ गया है कि विगत एक वर्ष में जनवरी से लेकर सितंबर माह तक जिले में अब तक 530 दुर्घटना हुई है जिसमें 430 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दरअसल नए मोटर व्हीकल अधिनियम इसलिए लागू किए गए थे ताकि रफ्तार से होने वाली दुर्घटना में कमी आए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि जिला परिवहन पदाधिकारी नाजिर अहमद इन आंकड़ों को देखकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 9 माह के अंदर 500 से ऊपर दुर्घटना घटी है। इसका सबसे बड़ा वजह युवकों में रफ्तार के साथ वाहन को चलाना। उन्होंने आम लोगों से सतर्क होकर वाहन चलाने की अपील की है। पूरे बिहार में अगर सड़क दुर्घटना की बात करें तो मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पे है, और मेरे साथ यहाँ के DTO नाजिर अहमद जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या इस वर्ष सड़क दुर्घटना पे इजाफा हुआ है या फिर क्या हुआ है। सर सबसे पहले बताइएगा कि जो सड़क दुर्घटना है उनमें क्या कमी आई है या वृद्धि हुई है? नहीं, दुर्घटनाएं तो बहुत घटी है। जब से 1 सितंबर से जो सरकारी कानून में सख्ती आई है, फाइन बढ़ा दिया गया है, या माइनर बच्चों के लिए जो कानून बने हैं उनके पिता को फाइन करने का मामला है, उस तरह से लोग डरे हुए हैं और अनुपालन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हेलमेट को तो लगा चुके हैं। मुजफ्फरपुर में हेलमेट की संख्या 90% हो चुका है। इस पर लगातार जांच भी चल रहा है। हम लोग पूरे परिवहन विभाग के पूरी टीम NHAI पर जांच करते हैं, अक्सर फाइन करते हैं। हर दिन हम लोग कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। जो भी गाड़ी हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले लोग पकड़ते हैं, प्रदूषण और हेलमेट पर सीट बेल्ट पर फाइन जो विधिवत बना हुआ वो हम लोग करते हैं।
तो अगर सर अगर इस वर्ष बात किया जाए सड़क दुर्घटना की तो कितने दुर्घटना हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या कुछ आंकड़ा है इसका? नहीं, इसका आंकड़ा बहुत साफ है, जनवरी से लेकर सितंबर तक जो आंकड़े मेरे सामने में है बहुत आसान है। पिछले साल इस पीरियड में 500 कुछ एक्सीडेंट हुए थे, एक्सीडेंट के बाद देहांत हुआ था, लेकिन इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक 19 में आंकड़े हैं 410 व्यक्तियों की मौत हुई है। और आंकड़े के हिसाब से आंकड़ा बता रहा है कि पिछले साल से हम लोग 20-25% कम है। शायद ये जो 1 सितंबर से कानून लागू हुआ है और हम लोग का ध्यान गया है, सरकार का ध्यान गया है, सब लोग मुस्तैद है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और कटिबद्ध है कि इस तरह का एक्सीडेंट घटते ही है। तो सर एक सिटी न्यूज के माध्यम से जो अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाते हैं जैसे मन करता है उस तरह से जो गाड़ी चलाते हैं, तो सिटी न्यूज के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, सबको हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि भाई आपकी जान बहुत कीमती है, नेशन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, जिला के लिए। मान लीजिए कि पूरे जिला के लोग एक्सीडेंट से पूरे मर जाए, एक्सीडेंट से सब ध्वस्त हो जाए, तो फिर जिला का प्रोग्रेस डेवलपमेंट का क्या होगा? यानी अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करने के लिए जिंदा रहना अति आवश्यक है, जो सरकार का सोच है और सबका लक्ष्य है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सब लोग सुरक्षित चले, हेलमेट लगाएं और संयम से काम लें, संयम से गाड़ी चलाएं, कहीं हड़बड़ी में न चलाएं। जहां आपको टारगेट पर पहुंचना है वहां आप समय लेकर चलें, कम समय में हड़बड़ी होती है, नींद में गाड़ी न चलाएं, खा पी कर चलाएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो गाड़ी पर स्टेयरिंग पर न बैठे, अगर आप स्वस्थ होकर चलाएं और कमजोर हैं या बीमार हैं अस्वस्थ है तो आप किसी सहयोगी को गाड़ी पर बैठा चलाने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के डीटीओ बता रहे हैं कि आपकी जो जीवन है वो आपके हाथ में है, अब आपको कैसे चलाना है। अगर सड़क दुर्घटना की बात करें तो इस वर्ष जो है वो टोटल 410 सड़क दुर्घटनाएं मौत हुई है जबकि इंजर्ड 302 हुए हैं। तो आपकी जो जिंदगी है वो आपके हाथ में है, आपको कैसे जीना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि लोग संभल कर वाहन चलाएं, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत पीएचसी में भर्ती कराएं। ज्यादा आज मैक्सिमम इन दिस कंट्री, इस देश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट केस मुजफ्फरपुर में है ड्यू टू कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ड्राइविंग रूल्स यहाँ फॉलो नहीं होता है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं होता है, तो जिसको जैसे जी में आता है उस तरह से, खास करके ऑटो रिक्शा वाले जो हैं ऑटो रिक्शा वो और बाइकर्स में हम लोग सब आते हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो हम बता दे रहे हैं कि बाइकर्स कभी नहीं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, बल्कि और इसका धज्जी उड़ा करके शान से निकलते हैं, हम तो हर जगह देखते हैं। तो सर, अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं तो कितने मिनट के अंतराल में हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए क्योंकि जान उनकी बचाई जा सके, क्या कुछ? अगर ग्रीवियस इंजरी है तब तो जितना जल्दी हो, 2 मिनट हो, 4 मिनट हो, जितना जल्दी हो आ जाना चाहिए हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। और अगर मान लिया हल्का इंजरी है तो आधा एक घंटा में भी आ सकते हैं, हल्का फुल्का इंजरी हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ फ्रैक्चर का मामला है या डीप इंजरी है, बोन का इन्वॉल्वमेंट है, मसल लेसरेट कर गया है, तो उसमें तो इमीडिएट आना चाहिए, जो आने में समय लगे, 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल तो सेंट्रल प्लेस में है, मार्केट एरिया में है, कोई मैंने शहर के किनारे में ये हॉस्पिटल नहीं है। सदर हॉस्पिटल जो है मेन सेंटर जो है मुजफ्फरपुर का मोती झील उस जगह स्थान पर है जहाँ पर कि सारा मार्केट्स है, कोर्ट कचहरी है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो इस जगह में ही ज़्यादा एक्सीडेंटल केस आते हैं और ये बहुत अप्रोचेबल है। अच्छा, जो दुर्घटना ग्रामीण एरिया में होता है उस टाइप के पेशेंट कहाँ जाएंगे, क्या कुछ? ग्रामीण एरिया में भी हम ही लोग की तरह डॉक्टर रहते हैं, MBBS डॉक्टर रहते हैं, स्पेशलिस्ट भी रहते हैं, तो वहाँ भी ये सब उपचार जो हम लोग इमरजेंसी में जो फर्स्ट जिसको कहिएगा कि फर्स्ट एड जो देते हैं हम लोग, तो वो तो वहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पेशेंट्स जो हैं इंजरी वाले या एक्सीडेंटल आते हैं या इवन असॉल्ट वाले, मारपीट करके भी बहुत लोग आते हैं हम लोग के यहाँ, बहुत ज़्यादा संख्या है इस मुजफ्फरपुर में असॉल्ट केस का, उतना PMC में भी नहीं है। तो उस तरह के
वहाँ के डॉक्टर जो है सो अगर सोचते हैं कि नहीं भाई सदर अस्पताल भेज दिया जाए या एसके मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाए ताकि इसका हायर इन्वेस्टिगेशन भी हो, ताकि पेरीफेरी में इन्वेस्टिगेशन का सुविधा नहीं है। अगर मशीन वहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, इम्प्लांट किया गया है, तो भी फंक्शनिंग नहीं है, वर्किंग नहीं है। क्या अपील होगा सर शहरवासियों से कि ऐसी अगर सड़क दुर्घटना होती है तो कितने मिनट में लोगों को पहुँचाए हॉस्पिटल तक? हमारा तो यही संदेश रहेगा कि 5-7 मिनट में पहुंचा देना चाहिए हॉस्पिटल। सड़क दुर्घटना हुआ 5-7 मिनट, क्योंकि मरीज को क्या पता है कि कितना डीप इंजरी है नहीं हो, तो यहाँ के डॉक्टर। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो डर के कारण भी नहीं लाके कि हमको जवाब देना पड़ेगा आगे, ये वो पूछताछ होता है, तो इस टाइप से क्या मतलब निर्देश है अभी तक? ऐसा तो बहुत कम केस आता है कि जो डरता हो, जो चोट लगा है, घाव हुआ है, जख्म हुआ है, तो उसको तो इलाज कराने का तो टेंशन रहता ही है। अब अपने गांव से है, कहीं आपस में झगड़ा झंझट हुआ तो उसमें वो थोड़ा टाइम लेता है। नहीं नहीं, जो सर अनोन बॉडी है जिसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, सड़क हादसे हो गई हो बड़े बड़े, तो पब्लिक ले आते हैं नहीं तो पुलिस ले आती है। कोई भी लावारिस माने जख्मी है, कहीं गिर गया है या कुछ हो गया है, तो उसको या तो लोकल आदमी ही ले आके पहुँचा देते हैं, यहाँ जो डॉक्टर हैं अपना जो उपचार शुरू कर देंगे। अगर डॉक्टर अगर माने सब ये नहीं है, कोई प्राइवेट पब्लिक नहीं आ रही है, तो पुलिस को आना पड़ता है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के समीप जमीनी विवाद को लेकर उत्पन्न तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के समीप एक जमीन विवाद मामले में दो पक्ष आमने सामने, तनाव की स्थिति घंटों बनी रही। मौके पर देखते ही देखते सैकड़ों लोग जुट गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराने में जुट गई। यही नहीं, मुशहरी के सीओ भी मौके पर पहुंचकर कागजात की जांच कर सरकारी अमीन जमीन मापने का निर्देश दिया। दरअसल एक पक्ष के लोगों ने बताया कि जमीन कब्जा करना चाहता है। सर, इनका फ्रंट से जो जमीन के हिसाब से आगे से 34 है और पीछे से 30 है, लेकिन इन्होंने मकान बना लिया है 38 से आगे से और पीछे से 35 बना लिया है। सब में 4 फुट आगे कर दिए, उसमें भी कर दिए हैं, और ये जमीन क्लियर चिप डाले, लेकिन सामने से जो है वो उन्होंने अपने दबंगे की जरूरत चढ़ा दी है। 10-12 आदमी रख के काम करा रहे, धारा 44 लागू था, 45 भी हो गया, फिर भी इन्होंने काम किया। आए थे मना करने के लिए, तो जान से मारने की धमकी देती है। यहाँ लेडीज रहती नहीं है, सिर्फ एक लेडीज है, उनका जेंट्स दुबई रहता है, अकेले रहती है, वो स्कूल चलाती है। क्या इसको लेकर पुलिस आवेदन आप लोग कंप्लेंट किया? आवेदन जी हम लोग इस जो को क्या है, क्या कहते हैं यहाँ, क्या कहते हैं काजीमपुर थाना भी गए हैं, उन्होंने भी आके मना किया कि नहीं काम नहीं करना, फिर भी इनके बावजूद भी लोग काम करना। जमीन पे 44 लागू हुआ जी, धारा 44 भी लागू था, उसके लागू होने का सिर्फ 45 भी लागू हुआ इस पे, यानी नियम का उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन क्या है, दबंगई का क्या है, औरत आती है कुछ बोलने के लिए, उसको जान से मारने धमकी देती है, बोलते तुम जहाँ जाओ। इनका मकान है जिन शायद दुकान का मकान है। अच्छा, ये मकान, ये मकान संजय शेख का है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि यह सब खेल पैसे का है। जैसे हमारा पुराना बिल्डिंग बना हुआ था, उसी के हिसाब से हम नया बिल्डिंग चालू अपना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, इन लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं डाला। 4 मंजिला जब कंप्लीट हो गया तो 2-44 एक साथ में, एक पीछे के नाम से एक आगे के नाम से, पीछे वाला एक दिन भी उपस्थित वहाँ नहीं हुआ, उसको 44 खारिज हो गया। आगे वाला जो है अभी इनका 44 से 45 में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा कहना है कि 2.5 फीट का विवाद दिए हुए हैं, है कि नहीं, तो 2.5 फीट छोड़ के हम काम करने के लिए। जमीन पे 44 लगा हुआ है? नहीं, 45, 44 खत्म हो गया, खारिज हो गया, एक 45 किया हुआ है 2.5 फीट पे। अच्छा, और वो भी चौहत्ती मेरा गलत है, मेरा चौहत्ती नहीं है कि इन्हीं के, और इनके पूरे जमीन पे 45 लगा हुआ है, जैसे 1.5 कट्टा 6.5 रुपये इनका 45 लगा हुआ है पेपर के हिसाब से। अच्छा, पेपर में जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट एसडीओ का जो रिपोर्ट आया है उस हिसाब से इनके पे लगा हुआ है पूरा, मेरे जमीन पे नहीं लगा हुआ है। फिर भी ये लोग पैसा मांगते हैं हमसे, 10-20 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो ये लेडीज यहाँ रहती है, बोलते रेप केस में लगा देंगे, फंसा देंगे, ये करेंगे। हम बाहर जाके यहाँ काम करा रहे हैं, हमारे फैमिली बच्चे सब दिल्ली रहते हैं, हम वहाँ से आके सालों भर से इसके पीछे परेशान है। 10 लाख रुपये पहले भी हम लोग ये लोगों को रंगदारी दे चुके हैं, उसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शेख संजय। हम रहने वाले गांव आपका, हमारा पड़ता है कुकुडिया, हमारा के आगे पड़ता है। कब ये जमीन खरीदे थे? ये जमीन खरीदे हम लोग 2004 में, रजिस्टर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद 2012 में कोर्ट से रजिस्ट्री हुई, क्योंकि ये लोग सब पैसे लेकर सब फरार हो गए हुए थे, तो कोर्ट ने हमें रजिस्ट्री करके दिया है। चंद्रलोक चौक संगमटी के समीप ट्रैक पार करने के दौरान एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। चंद्रलोक चौक के निकट एक ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद सभी की मदद से आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। घायल युवक की पहचान रूपेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नदारद दिखे, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया।
हंगामे के बाद डॉक्टर पहुंचे और युवक का इलाज शुरू किया। किसी ट्रेन से आ रहे थे, गिर गए, कैसे गिरे पता नहीं, हम उधर से आ रहे थे, चंद लोग सब मैंने साइड से मोती झील को जा रहे थे, देखे कि गिरे हुए हैं और लोग जो है सो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई ले जाने वाला नहीं है। फिर हम आए, हम लोग उमा मार्केट में एक गली थी, पंकज जी हम हमारे मित्र हैं, पंकज जी हम दोनों आदमी लोग था, हम लोग ला दे के उसको गाड़ी में ला दे, यहाँ ले आके पहुँचा दिए। यहाँ आए तो कोई आदमी नहीं कि मैं डॉक्टर साहब, फिर हम लोग थोड़ा इंतजार किए, बहुत देर ही किए तो डॉक्टर भी आए, तब आए तो वो पानी वानी चढ़ा रहे हैं। क्या पहचान उजान हो पाई, कहाँ के? पहचान हुआ, बात कर रहा है, फैमिली से बात नहीं कर पाया, बात भी वहाँ भी किया था, दरभंगा का है। युवक के गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया है। हालांकि युवक किस ट्रेन की चपेट में आया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर मामले में मौके पर पहुंची GRP पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिली, घायल युवक की पहचान हो गई है, अभी बेहोशी की हालत में है, परिजनों को सूचना दे दी गई है। सूचना मिली कि चंद्रलोक गुमटी के पास एक आदमी गिरा हुआ है जख्मी अवस्था में, तो हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे तब तक स्थानीय लोग इसको सदर अस्पताल में लेकर आ चुके थे। हम सदर अस्पताल आए, यहाँ डॉक्टर साहब को बुलवाए, डॉक्टर साहब आए और फर्स्ट एड करने के बाद उसको मेडिकल के रेफर कर दिए हैं, तो एम्बुलेंस उसको भेजा। क्या पहचान उचान हो पाई है उसकी? हाँ, उसके स्थानीय लोग बता रहे थे कि उसका एक मोबाइल नंबर मिला है, तो नंबर मिला है, उसका कॉल दिखा देते हैं, एड्रेस चाहिए, कॉल किए, बात हुई है, वो उनका परिजन लोग आ रहे हैं। परिवार से क्या, कौन ट्रेन से आ रहे थे, कहाँ का जाए, तो इस टाइप ये जानकारी हमको नहीं मिली है। आदमी कैसे गिरा ये पता नहीं है, हम लोग गए तब तक सब लोग उठा कर लेके चले आए थे। अच्छा, तो मेडिकल रेफर कर दिया गया। हाँ। परिजन को सूचना दे दी गई है? हाँ, सूचना दी गई है, मोबाइल नंबर मिला उससे उनके परिजन को सूचना दी गई है, परिजन के लोग बोले हैं कि हमारे। NCC के बिहार 32 बटालियन द्वारा LS कॉलेज परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। LS कॉलेज कम्युनिटी कॉलेज में NCC के द्वारा मंगलवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। 12 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कर्नल रामानुज सिंह ने किया। इस आयोजन में देश के 6 राज्यों के NCC कैडेटों एक साथ रहकर अपनी अपनी भाषा और संस्कृति को साझा करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत आज मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत भव्य तरीके से की गई है, इसमें 6 राज्य के लड़के और लड़कियां हैं। हम यहां बात करते हैं, रामानुज सिंह जी है, सर इसके जरिए क्या एक उद्देश्य जा रहा है, क्या एक लोगों को समझा जा रहा है, क्या है ये? ये एक राष्ट्रीय स्तर पे कैंप है और ये मोदी जी का सोच था कि NCC के कैडेट्स हैं जो कि अपने आप में कैंप करते रहते हैं और आपस में इनका मिलाप नहीं हो पाता है, तो अभी सभी राष्ट्र के अलग 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 राज्यों से जो बच्चे आए, कैडेट्स आए हुए हैं, तो इकट्ठा होकर एक कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में हम इनके ट्रेडिशंस को, इनके कल्चर को हम पहचानेंगे, जो हमारा कल्चर ट्रेडिशंस है उसे ये हमसे सीखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी एकता अखंडता बढ़ेगी और हम एक भारत होकर एक महान देश बनेंगे। इसी कारण यहाँ पे तकरीबन 600 कैडेट इकट्ठा हुए हैं और 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ये कैंप है। ये 12 दिन का कैंप है जिसमें कि SD और SW कैडेट से, सीनियर कैडेट से, वो 2 दिन पहले आते हैं, जो जूनियर डिवीजन कैडेट्स होते हैं वो 2 दिन के बाद आते हैं। आज कैंप का 2 दिन है, आज हमारे कैंप कमांडेंट कर्नल पंकज सिन्हा ने कैंप को एड्रेस किया है और इसके साथ साथ काफी कार्यक्रम है, इसमें 4 मंत्री भी आ रहे हैं, एक स्टेट के मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं और साथ साथ काफी जो लोकल अथॉरिटीज में हाई डिग्निटीज है वो भी आके कैडेट्स को मोटिवेट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस कैंप के दौरान सभी बच्चे जो बाहर से आए खास करके वो काफी सीखेंगे और हम भी उनसे काफी सीखेंगे। ये जो कैंप है सर, ये पहला कैंप है पूरे देश में या दूसरी बार इस तरह का, क्या इसका उद्देश्य क्या है? ये कैंप पहला कैंप हम इस प्रकार का, तो ये 2 साल है इस पर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत हम कैंप करें। पिछला कैंप हमारा मोतिहारी में हुआ था जो कि हमारे बिहार के राज्यपाल साहब खुद आए थे उस कैंप में, और इस कैंप को पहले हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन कैंप NIC के तौर पे जाना जाता था, लेकिन जब से हमारी नई सरकार आई है उन्होंने सोचा कि ये कैंप को और विस्तार में एक अच्छा पहचान दे, इसका नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप रखा गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा
एक राज्य से दूसरे राज्य के बच्चों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किसी को हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से उनको एकत्रित किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। प्रदूषण के खतरनाक स्थिति में पहुँच जाने को लेकर डीएम आलोक रंजन घोष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर के गली मोहल्ले चौक चौराहे पर धूलकण उड़ रहे हैं, इसमें भारी प्रदूषण फैल रही है। जगह जगह निर्माण कार्य, ईंट भट्टे की चिमनी से निकलता हुआ धुआं, बैकरी और थलमड भी प्रदूषण स्तर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। शहरवासियों को बेहद गर्व होगा कि उन्होंने दिल्ली और पटना को पछाड़ते हुए अपने शहर को प्रदूषित शहर की सूची में नंबर वन बना दिया है। स्कूल से आते जाते बच्चे मास्क लगाए अंतरिक्ष यात्री नजर आते हैं। प्रदूषण जहां उड़ रही है, धूल को फैलने से रोकने में विफल साबित हो रही है। वहीं निगम अपने द्वारा डंप किए कचरे से निकलने वाली गैस और आग से शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को 332 के पार पहुंचाने में जुटी है। प्रकृति से छेड़छाड़ रोकने को लेकर बेहद तामझाम से शुरू किया गया कार्यक्रम जल जीवन हरियाली का हर्ष आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने शहरवासियों से अपील की है कि अगर आप अपने बाद की पीढ़ी को कुछ बेहतर देना चाहते हैं तो पेड़ लगाएं और प्रदूषण ना फैलाएं। आज यहां पर परिवेशी वायु गुणवत्ता के बारे में परिचर्चा हुई है, जिसमें क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना है। शहरी क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता के जो महत्वपूर्ण घटक है उनमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक घटक है, दूसरा सेक्टर कंस्ट्रक्शन डस्ट है। सभी पे डिटेल चर्चा हुई है, जितने भी पुराने ऑटो हैं, पुराने व्हीकल्स हैं उन पर, क्योंकि अब सीएनजी व्हीकल सीएनजी फ्यूल इनको यूज करना है फ्यूचर में, तो अभी से हम आपके माध्यम से सभी सिटीजन से अपील करना चाहेंगे कि अपने व्हीकल्स में जो ओल्ड हो चुके हैं, 15 साल से पुराने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा धुआं जो फेंक रहे हैं, उन व्हीकल का वो लोग उपयोग बंद करें। और साथ ही शहरी क्षेत्र में जो जो लोग सड़क पे ऑटो कहीं भी लगा के खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण अतिक्रमण की भी समस्या पैदा होती है, यातायात की भी समस्या पैदा होती है, और बार बार हटाए जाने के बाद से फिर से अतिक्रमण हो जाता है, ये पूरे शहर के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, जिसपे हम सभी को साथ में आने की जरूरत है। हम लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोगों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है। जब तक यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं होंगे, तब तक निश्चित रूप से फ्यूचर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो उस तरह का नहीं हो पाएगा जो कि एक स्मार्ट सिटी में होना चाहिए। इसलिए जनसहयोग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। आज की परिचर्चा में कुछ चीज़ें जो उभर के आई हैं जो नगर निगम को अतिरिक्त रूप से कर। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है,
उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। आपके शहर में खुल गया है किंडर मोशन डांस एंड एक्टिविटीज क्लासेज, जिसमें इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर द्वारा प्रशिक्षित डांस टीचर बच्चों को डिफरेंस फॉर्म में डांस सिखाते हैं, जैसे बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्ररी पॉप डांस सिखाते हैं। साथ में एक्टिविटीज के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, विभिन्न तरह की पेंटिंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं। एकेडमी में एज ग्रुप बॉयज के लिए 2 साल से 12 साल एवं गर्ल्स के लिए 2 साल से 18 साल तक है। हमारा पता है नियर होटल शिवम इन, मुखर्जी लैन, मोती झील, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9931695198। रियल वर्ल्ड फ्लोर पर मोबाइल, टीवी, आईपैड,
दुनिया में चले गए। इंटरमोशन इज एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों पर फोकस किया जाता है। इसमें दो तरह की चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, एक है फिजिकल फिटनेस और दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल फिटनेस हम डांस के जरिए पूरा करते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट हमारा एक्टिविटीज पार्ट है। और डांस करने से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होती है और आजकल के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा तेज तैयार बने, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर हम एक तरह से लर्निंग विद फन भी कह सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मंगलवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश आज उन महान शख्सियत को पूरे भारतवर्ष में जयंती मनाया जा रहा है जिसे हिंदुस्तान आयरन लेडी के नाम से जानता है। अभी तक के इतिहास में भारत की भी एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 102वीं जयंती समारोह में हम लोग कार्यालय में उनकी जयंती मना रहे हैं। ऐसे महान जो आयरन लेडी के नाम से जाने जाती है, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाती है, उनके नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ। इनके प्रधानमंत्रित्व काल में चाहे वो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वो रशिया से जब घोड़ा बैल से किसान जमीन जोतते थे उस समय वो रशिया से एग्रेशन करके ट्रैक्टर लाने का काम किए, किसानों का ट्रैक्टर लाने का काम किए और बहुत सारे ऐसे उनके समय कार्य हुआ, चाहे इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन। आज जो पाकिस्तान का ये जो नाम लेते हैं कि भाई हम स्ट्राइक किए, जिस समय देश आजाद हुई थी हमारे पास सेना नहीं था। रेडक्रॉस भवन में मंगलवार को नवजात शिशु संरक्षण सप्ताह की शुरुआत की गई। कंपनी बाग स्थित रेडक्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में नवजात शिशु बचाव सप्ताह के अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण साह ने नवजात बच्चों की माताओं और गर्भवती महिलाओं को बच्चों की उचित रखरखाव की जानकारी दी गई। उन्होंने स्तनपान, टीकाकरण और उनके उचित रखरखाव की जानकारी से मातृ शिशु मृत्यु दर को कम किया जाने की बात कही। देखिए, न्यूबॉर्न केयर वीक मनाया जा रहा है पूरे राष्ट्र में। ये 15 नवंबर से 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे एक ही कारण है, इसके पीछे जो हम जो ऑब्जेक्टिव है यानी इसका लक्ष्य है कि नवजात शिशु जो कि जन्म से 28 दिन के अंदर में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके। आज भी भारतवर्ष में 26 लाख बच्चे जन्म से 28 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और 26 लाख बच्चे जन्म के समय में स्टील बर्थ यानी मरे हुए पैदा होते हैं। यानी 52 लाख ऐसे बच्चे हैं जो काल मतलब कि वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस ये बहुत चिंता का विषय है और ये आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर होती है कि भारतवर्ष में होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सिंपल इफेक्टिव मेजर से चाहें तो हम लोग 75% मृत्यु दर को कमी करा सकते हैं। इसके लिए हम आज जो कार्यक्रम रखे हैं, इन लोगों को एक जागरूकता अभियान रखे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे मुख्य कारण जो मरने का कारण है नवजात बच्चे का, वो है बच्चे का नहीं रोना जिसको कहते हैं बर्थ एस्फिक्सिया, या बच्चे का इन्फेक्शन होना यानी रक्त में संक्रमण होना जैसे उसको कहते हैं नियोनेटल सेप्टिसीमिया, या बच्चा 7 मास होना, प्री टर्म होना, लो बर्थ वेट होना, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच्चा मरता है। और चौथा जो है 9% जो है वो जन्मजात मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से वो विकसित पैदा होता है यानी कि कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। अगर हम समाज में जो जानकारी दिए हैं कि हर बच्चे का जन्म के पहले 9 महीने तक हर गर्भवती महिला को अपना जांच कराना है अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, और टिटनस का सुई लेना है, 2 टिटनस का एक्स्ट्रा दिया जाता है भारत सरकार के टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की सुविधा है, और
जो यूरिन का जांच, हीमोग्लोबिन का जांच, वेट वगैरह सब होना, ये सब किया जाता है ताकि कि जो हाई रिस्क फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई कर करके इस तरह के बच्चे को, इस तरह की माताओं को इमीडिएट मतलब इंटरवेंशन किया जा सके, क्योंकि माँ को कहीं डायबिटीज तो रही है, माँ को कहीं रक्तचाप की बीमारी तो नहीं है, माँ को कहीं एक्लेम्सिया तो नहीं है, माँ को कहीं बहुत ज़्यादा एनीमिया तो नहीं है। तो इस तरह से ऐसे बच्चा अगर माँ को ये सब प्रॉब्लम है तो इसका इफेक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है। अब आई बात कि जब डिलीवरी की तो हर हालत में हमने ये मैसेज दिया है एक समाज को कि डिलीवरी पहले से काफ़ी बड़ी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है अस्पताल में, लेकिन लेकिन हिसाब से देखा जाए तो हर बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होना चाहिए, इससे बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहता है। जन्म के समय अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं पहले दिन, यानी आप ये देखिए आप 26 लाख बच्चों में 50% बच्चे जो है प्रथम सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा जन्म के समय नहीं रोया या बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। अब अस्पताल में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से ऐसा बच्चा जो जन्म के समय नहीं रोता है तो उसको रिसिस्टेट करने का साधन है, घर पे तो नहीं है साधन। फिर उसके बाद इन्फेक्शन जो है, देखा गया है कि घर में बच्चा जो जन्म लेता है उसमें इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा है, सेप्सिस सेप्टिसीमिया के चांसेस ज़्यादा है। बच्चा लो बर्थ वेट बेबी है, प्रीटर्म बेबी है, उस केस में घर में क्या किया जा सकता है? 900 ग्राम का बच्चा है, 1.25 किलो का, 1 किलो का बच्चा है, उस हर अस्पताल में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है जहाँ पर इस बच्चे को भर्ती किया जाता है, और बच्चे को भर्ती कर करके वहाँ पर रेडिएंट वार्मर है, डॉक्टर्स हैं, सुविधा है, उस सुविधा का हर लोग को मतलब कि उसका उपयोग में लाना चाहिए। अस्पताल में जन्म के बाद जो माँ का दूध पिलाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है, बच्चों को मतलब कि टीकाकरण की सुविधा है, बच्चे को कोई भी तरह का अगर कोई डेंजर साइंस होता है तो उसके इलाज की सुविधा है, बच्चे को डिस्चार्ज के समय जो टीकाकरण दिया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 टीका वो दिया जाता है, और यहाँ तक कि सरकार जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में परिवार को पैसा भी देती है, 1400 रुपया देती है गाँव में पैदा होने के लिए, यानी डिलीवरी के लिए 1000 देती है शहर में। तो ये इतनी सारी सुविधा को अगर हम मुहैया हर बार भारत की हर महिला करे जो गर्भावस्था में है, तो यकीनन मतलब कि आने वाले समय में ये सब एक साधारण स्टेप से। एक सप्ताह पूर्व जब्त की गई तस्करी की ऊंट की देखभाल और उसके भोजन पानी की व्यवस्था करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। राजस्थान के पुष्कर मेला में तस्करों द्वारा बांग्लादेश ले जाई जा रही 18 ऊंट को मुजफ्फरपुर में गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। वहीं प्रशासन के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने इन ऊंटों को गौशाला को हस्तांतरित कराया था। वहीं गौशाला प्रबंधन को अब इन ऊंटों को चारा मुहैया कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गौशाला के सचिव कृष्ण मुरारी भरतिया ने बताया कि ऊंटों को भूसा पसंद नहीं, उनको मुख्यतः बबूल, बरगद और नीम के पत्ते पसंद है। राजस्थान में बबूल की बहुआयत है, जबकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सामान्य रूप से नहीं है। ऐसे में दिन भर खाते रहने वाले इन पशुओं को उनका प्रिय भोजन उपलब्ध कराने में प्रबंधन को काफी परेशानी हो रही है। तो जो है तो कांटी थाना के थ्रू पशुपालन विभाग को दिया, पशुपालन विभाग गौशाला सचिव से कह करके गौशाला में रखवाए, और इसका बरगद वगैरह सब पत्ता उत्ता काट करके हम लोग खिला रहे हैं। भूसा चोकर उतना मन से नहीं खाता है, भूसा भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, कुछ बीमार भी है। कुछ हाँ, तीन वो ऊँट जो है तो बीमार है। वो ट्रक में ऐसा कैसे हुआ था कि जो कि उठाने लायक और निकलने लायक नहीं था, उसी में हाथ गोड़ पैर बांध करके वो जो है सो उसको बैठाया हुआ था। एक ट्रक में 18 ऊँट था, जिसमें एक ऊँट ट्रक में ही मर गया था, उसको हम लोग रेसिव नहीं लिया। तो भोजन सामग्री जुटाने में परेशानी हो रही है? हाँ, भोजन सामग्री तो मतलब कि बर्फ की पर अथी काटा उटा ये सब खाता है, बबूर उबूर का वगैरह सबका दिक्कत। बीमार कितना उठा है? 3 ठोपे है। व्यवस्था नहीं होगा उसका? व्यवस्था जो है अगल बगल से हम लोग काट कर। परेशानी हो रही है कि नहीं? परेशानी तो हो रही है। आपके पास तो घास भूसा ना है? घास भूसा है, पेड़ भी काट काट कर हम लोग मंगवाते हैं। वहीं दूसरी ओर गौशाला में मौजूद ऊँटों को देखने वाले लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। कईयों का तो ये सेल्फी प्वाइंट बना हुआ है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऊँट पकड़ा कर जो आया है
उन लोग को देखने के लिए हम लोग आए हैं और देखने के प्रति देख रहे हैं, भूख लगा हुआ था तो हम लोग बबूल का पत्ता जो होता है वो तोड़ कर ला रहे हैं और उसको खिला रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग भूखी हुई है, जो खाना के प्रति एकदम मरी जा रही है एकदम। क्या नाम है? विकास कुमार। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग पांडे जी गली से आए हैं। कैसे पता चला है आप लोग? पता चला था कि ऊँट बहुत सारा आया हुआ है तो इसी बहाने घूमने चले आए देखने उसको। देखने से क्या लग रहा है? बहुत भूखी लग रही है। देख रहे हम लोग आदत है भैंस गाय देखने का, ऊँट देख रहे हैं जी, पहली बार तो देख रहे हैं ऊँट इतना संख्या में। खिलाने का सौभाग्य मिल रहा है हम लोग को, हम लोग खिला रहे हैं। बिहार महिला संघ के द्वारा बैरिया अयाची ग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। मंगलवार को बिहार महिला संघ के द्वारा महान क्रांतिकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती बैरिया स्थित अयाची ग्राम में मनाई गई। बिहार महिला संघ के सदस्यों ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई से सीख लेने की जरूरत है कि नारी अबला नहीं है, उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी आनी चाहिए। और घर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, उस जो छुपी हुई महारानी लक्ष्मीबाई है उसको निकाले और संघर्ष करते हुए जीवन को आगे बढ़ाए और खुश रहे और उनको अपनी हमेशा प्रेरणा स्रोत माने, यही महिला संघ बिहार की ओर से हम बोलना चाहेंगे अपनी बहनों को। जय हिंद। नागरिक मोर्चा द्वारा मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद योगेंद्र शुक्ल की 52वीं स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने शेरे बिहार क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल की 52वीं स्मृति समारोह मनाई। समारोह के आयोजक अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि योगेंद्र शुक्ल की स्मृति शेष के अवसर पर नागरिक मोर्चा यह मांग करती है कि मोतीझील ओवरब्रिज का नामकरण उनके नाम पर हो तथा उनकी प्रतिमा बीबी कॉलेजिएट में स्थापित की जाए। और मैं अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मारक और साथ ही शेरे बिहार क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ला स्मृति समारोह का अध्यक्ष हूँ, समाज सेवी हूँ और यहाँ अधिवक्ता के पद पर सिविल कोर्ट में कार्यरत हूँ। अमर शहीद योगेंद्र शुक्ल उस खासियत का नाम है जो शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को भी रिवॉल्वर चलाने का प्रशिक्षण इन्होंने दिया था। सोनपुर पुल पर जब पुलिस इन्हें घेर ली तो वहां नदी में ये कूद गए, टोपी पर अंग्रेज सिपाही का गोली चलता रहा और वहां से वो 9 किलोमीटर आगे जाकर दिग्घा घाट के बाद वो बाहर निकले। पूज्य जयप्रकाश नारायण जी को 9 किलोमीटर तक हजारीबाग सेंट्रल जेल में वो पैदल गए कंधे पर लेकर। योगेंद्र शुक्ल जी काला पानी की सजा भोगे, काला पानी की सजा में वो अपना दोनों आंख कमाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।